गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मृत्युंजय सिंह, टीजीटी सोशल साइंस केंद्रीय विद्यालय मशरक। आई वेलकम यू ऑल इन माय ऑनलाइन सोशल साइंस क्लास। टुडे आई विल डिस्कस रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेसन लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको दिया था, उसमें मैंने लैंड, सॉयल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस किया था। उन टॉपिक्स को फिर से हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने लैंड के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से लैंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद हमने यूजेस ऑफ लैंड पर डिस्कस किया था, किस प्रकार से लैंड यूज़ पैटर्न समय के साथ परिवर्तित होता जाता है, हाउ लैंड यूज़ पैटर्न चेंज ओवर टाइम। फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स पर डिस्कस किया था कि कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं लैंड को कंजर्व करने के लिए, जिसमें आप एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, चेक ऑन ओवरग्रेजिंग, दिस स्टेप्स आर हियर। उसके बाद हमने सॉयल पे डिस्कस किया था, फिर हमने फैक्टर्स ऑफ सॉयल फॉर्मेशन पे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉयल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस फैक्टर्स आर पैरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइम। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड ऑन causes of degradation of soil. These causes were deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers and pesticides, rain wash, landslides and floods. After that, we discussed on steps to control soil erosion. These steps are mulching, contour barriers, rock dam, terrace forming, intercropping, contour plowing, shelter belts. I hope that what we discuss in part first you recapped. Now, water. As we know, water is a natural resource. Water is a renewable resource. 3/4 of our surface is covered with vital renewable natural resource known as water. Ocean covers about 2/3 of our surface and support a rich variety of plant and animal life. यदि हम वाटर की बात करें तो वाटर एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। हमने क्लास 6 में एक टॉपिक पढ़ा था कि क्यों अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। हमने जाना था कि 71% ऑफ सरफेस किससे कवर है, वाटर से कवर है, लगभग 3/4 पार्ट इज कवर्ड विद वाटर। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर, ब्लू। दैट इज व्हाई Earth is appeared in blue color. Thus, we can say Earth is a blue planet. And what amount of water is available on Earth? 97.3% amount of water is ocean water. As we know, ocean water is saline in nature. जो भी water Earth surface पे available है उसका लगभग 97.3% क्या है, ओशियन वाटर है, जो कि सलाइन होता है, जिसमें नमक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और ह्यूमन के उपयोग के लिए वो बिल्कुल भी फिट नहीं है। ह्यूमन इसको यूज़ नहीं कर सकता ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। इस प्रकार से ओशियन वाटर जो भी है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग ह्यूमन नहीं करता है। तो किस तरह के वाटर का उपयोग ह्यूमन करता है, व्हाट काइंड ऑफ वाटर ह्यूमन यूज, दैट इज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7% एंड 70% ऑफ दिस अकर्स एट आइस शीट्स, ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। दे आर इनएक्सेसिबल बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन। What fresh water is available on our surface? 70% of that water is found in the form of ice sheets, glaciers in Antarctica, Greenland, mountain region. जो भी fresh water our surface पे है उसका लगभग 70% part ice sheets के रूप में है, glaciers के रूप में है और mountain regions में पाया जाता है, जहाँ human की पहुँच बहुत ज़्यादा नहीं है। इस तरीके से जो भी फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स के रूप में है,
आई शीट्स के रूप में हैं, माउंटेन्स पे हैं, ये ह्यूमन के द्वारा उपयोग नहीं किए जाते हैं। दस वनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इस प्रकार से केवल 1% फ्रेश वाटर है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है। इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई वाटर इज कॉल्ड प्रीशियस रिसोर्स। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वाटर को प्रीशियस रिसोर्स क्यों कहा जाता है। इन क्लास 7th वी आल्सो लर्नड अबाउट वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या था, हमने इसको पढ़ा था। वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेसेस, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। एंड थ्रू वाटर साइकिल वाटर इज रिप्लेनिश्ड। वाटर साइकिल से ही वाटर रिप्लेनिश्ड होता है, रिन्यू होता है। जो भी वाटर अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है, प्रेजेंट है, वो कांस्टेंट अमाउंट में रहता है। मतलब ह्यूमन ना उसको उसमें कुछ ऐड कर सकता है, ना उसमें कुछ सब्सट्रैक्ट कर सकता है, वो रिमेन रहता है, कांस्टेंट है, और वो वाटर साइकिल के थ्रू रिप्लेनिश होता रहता है। अब वाटर यूज की बात कर लेते हैं। ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग पर्पस, देयर आर सम अदर पर्पसेस ऑफ वाटर लाइक इरिगेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर ऑफ डैम्स। यदि हम वाटर यूज की बात करें तो ह्यूमन पानी का उपयोग केवल पीने और धुलने के लिए नहीं करता, बल्कि कुछ दूसरे भी पर्पसेस हैं, जैसे सिंचाई, इरिगेशन जिसको कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज में होता है, बहुत सारे जो सामान बनते हैं उनमें पानी का उपयोग किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़े बड़े डैम्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किया जाता है। इस प्रकार से वाटर का बहुत सारा यूज़ है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन के साथ ही खाने की समस्या भी बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे ह्यूमन लाइफ जो है, ह्यूमन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी समय के साथ चेंज होता चला जा रहा है। तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ ही फ्रेश वाटर की जो डिमांड है वो भी बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण से बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, स्कार्सिटी हो गई है। देयर इज़ ए स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ इन फ्रेश वाटर सप्लाई। इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। वी टॉक अबाउट शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर? दीज कॉजेज कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट नेचुरल कॉज, सेकंड ह्यूमन कॉज। यदि हम वाटर शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर का एडिक्वेट अमाउंट में ना मिलना, एक पर्याप्त मात्रा में ना मिलना फ्रेश वाटर का, ये क्या कहलाता है? वाटर शॉर्टेज कहलाता है। तो यदि हम उसके कॉजेस पे डिस्कस करें, किस कारण से, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण से फ्रेश वाटर में कमी आ जाती है, इसके पीछे दो कारण हैं। एक नेचुरल कारण हो सकता है, दूसरा ह्यूमन, एक प्राकृतिक कारण है, ह्यूमन कॉज है, सॉरी नेचुरल कॉज है, दूसरा ह्यूमन कॉज है। नेचुरल कॉज में हो सकता है लेट प्रेसिपिटेशन या लेट रेनफॉल, लेस रेनफॉल, बारिश का कम होना या बारिश का देर से होना, ही ये नेचुरल कॉज में हो सकता है। ह्यूमन फैक्टर में बहुत सारे कॉजेज हैं। ह्यूमन फैक्टर जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्रेश वाटर एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं, जैसे डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस इन वाटर बॉडीज एंड मेजर कंटेमिनेंट्स। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, औद्योगिकरण के कारण से वाटर का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो भी वाटर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, उस वाटर को बिना ट्रीट किए हुए सीधे नदियों में या तालाबों में या पॉन्ड्स, लेक्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसके कारण से जो भी फ्रेश वाटर है वो कंटेमिनेट हो जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में, खेती में बहुत ज़्यादा केमिकल
पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण से भी जो ग्राउंड वाटर है वो कॉन्टेमिनेट हो रहा है. इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड वाटर शॉर्टेज. नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर द स्टेप्स कैन बी टेक व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंजर्व वाटर रिसोर्स. What fresh water is available? How can we conserve that water? The various steps can be taken to conserve water. जो भी fresh water है, ताज़ा पानी है, उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है, किस प्रकार से उसके wastage को कम किया जा सकता है, किस प्रकार से जो भी rainfall होता है उसके water को किस प्रकार से हम conserve कर सकते हैं, तो various methods हैं जिसके through हम फ्रेश वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं. जैसे फर्स्ट, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. फॉरेस्ट वन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना होगा, वनों को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि वन और दूसरे तरह के वनस्पति जो होते हैं ये पानी के रन ऑफ को, बहते हुए पानी की स्पीड को रोकते हैं और इस प्रकार से अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करते हैं, फिर से एक उसको नया जीवन देते हैं. अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसका लेवल बढ़ाते हैं. दूसरा है, वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ. यस, जो भी बारिश होती है उस बारिश के पानी को, रेनफॉल के वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं. किसके थ्रू? वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू. नेक्स्ट, कैनाल यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेज ऑफ वाटर सीपेज. जिन नहरों के सहायता से इरीगेशन किया जाता है उन नहरों में सीपेज को हमें रोकना होगा, क्योंकि सीपेज के थ्रू बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है. उन सीपेज को ब्लॉक करना होगा जिसके कारण से वाटर का वेस्टेज होता है. नेक्स्ट, स्प्रिंकल इरीगेशन. स्प्रिंकल्स इफेक्टिवली इरीगेट एरिया बाई चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवापोरेशन. स्प्रिंकल इरीगेशन बहुत ही इफेक्टिव मेथड है इरीगेशन का. इससे वाटर के लॉसेस को कम किया जा सकता है, सीपेज जैसी समस्या को सॉल्व किया जा सकता है, इवापोरेशन, वाटर की इवापोरेशन को कम से कम किया जा सकता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड होता है इरीगेशन का उससे इवापोरेशन वाटर का और सीपेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्प्रिंकल इरीगेशन बहुत इफेक्टिव होता है. कम से कम पानी में हम सिंचाई कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पौधों के लिए बेनिफिशियल भी होता है. इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ इवापोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल. ड्राई रीजन्स में जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, वहाँ पे इरीगेशन जो मेथड यूज़ किया जाता है वो ड्रिप इरीगेशन है. ड्रिप इरीगेशन के थ्रू हम वहाँ पे सिंचाई कर सकते हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है. इससे ड्रिप इरिगेशन में पानी सीधे पौधों की जड़ों में जाता है, जिससे कम से कम पानी में हम इरिगेशन कर सकते हैं. ड्राई रीजन्स में इवापोरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इवापोरेशन रेट को कम करने के लिए भी ड्रिप इरिगेशन बेस्ट मेथड है. यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं आप ड्रिप इरिगेशन किस तरीके से पाइप्स लाइनअप की गई हैं और इन पाइप्स के थ्रू पानी सीधे पौधों की जड़ों में जाता है. नेक्स्ट पिक्चर में स्प्रिंकल इरिगेशन है, किस प्रकार से कम पानी में पूरे एरिया की सिंचाई हो रही है. आप देखिए, वाटर वेस्टेज बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ही इफेक्टिव है ये ऐसे एरियाज़ में इरिगेशन के लिए जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा रहती है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बेस्ट मेथड टू कंजर्व रेन वाटर. यहाँ पे किस प्रकार से छत पे पानी को रोका जाता है, पानी को इकट्ठा किया जाता है और उस पानी को पाइप के थ्रू एक टैंक होता है, उस टैंक में स्टोर कर लिया जाता है और जब वाटर की शॉर्टेज होती है तो इस पानी का उपयोग उस दौरान किया जाता है. यहाँ पे आप देखिए, इसको ऑब्जर्व करिए इस फिगर को. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ.
फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड नेचुरल वेजिटेशन क्या है. वट इज नेचुरल वेजिटेशन? इन क्लास 7 वी लर्न दोज वेजिटेशंस विच ग्रो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस. ऐसे वेजिटेशंस जो बिना किसी ह्यूमन हेल्प के, मानव के हस्तक्षेप के ग्रो करते हैं, उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोसफेयर दैट वी कॉल द बायोस्फेयर. इन क्लास 7 वी ऑल्सो लर्न अबाउट बायोस्फेयर. वॉट इज बायोस्फेयर? इट इज नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोसफेयर. बायोस्फेयर क्या होता है, हमने क्लास 7 में पढ़ा था. तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करते हैं किसमें? बायोस्फेयर में. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? इन बायोस्फेयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. बायोस्फेयर में जो भी लिविंग बीइंग्स हैं वो एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन के लिए. इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है. इन दिस फिगर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. दिस जोन इज कॉल्ड द बायोस्फेयर. हेयर इकोसिस्टम, ऑल लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड ऑन, इंटर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल. This is ecosystem. This is biosphere. Growth of vegetation. Growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. Various factors play important role in the growth of vegetation. And temperature and moisture is one of them. The major vegetation types of world are grouped as forests, grassland and shrubs. Class 7th में हमने पढ़ा था कि नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स क्या हैं. तो उसमें हम फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, श्रब्स में डिवाइड कर सकते हैं. नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेचुरल वेजिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन यूज के कारण से, ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही डेंजर जोन में आ चुके हैं. इस कारण से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बायोस्फेयर में इस इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, इस लाइफ को मेंटेन रखने के लिए हमें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को भी सुरक्षित करना होगा. तो किन कारणों से नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ दोनों ही डेंजर जोन में आ चुके हैं, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं. चेंजेस इन क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट एंड एनिमल. ह्यूमन इंटरफेरेंस और क्लाइमेट में चेंज के कारण से आज जो भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन, सॉयल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स दैट एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज. देर आर डिफरेंट कॉजेज ड्यू टू विच प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लॉसिंग दियर नेचुरल हैबिटेट्स. ये डिफॉरेस्टेशन है, सॉयल इरोजन है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं, सुनामी है, लैंडस्लाइड है. तो इस तरीके से इन सभी कारणों से आज जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अपने नेचुरल हैबिटेट्स को खो दे रहे हैं. जो उनका घर है वो खत्म होता जा रहा है. तो कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे जो भी फ्लोरा एंड फौना है उनको कंजर्व किया जा सके, उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके? इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फेयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. आज बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फेयर रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सुरक्षित रह सकें. कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन.
क्रीक्स, लेक्स और जो भी वेटलैंड्स हैं, जो दलदली एरिया हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि जो भी नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ वहाँ पे हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव आर आल्सो एस्टैब्लिश्ड एट रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है कि किस प्रकार से नेचुरल वेजिटेशंस और जो वाइल्ड लाइफ्स हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके लिए सोशल फॉरेस्ट्री जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वन महोत्सव मनाया जा रहा है ताकि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो और ये फ्लोरा और फौना को कंजर्व कर सकें। स्कूल चिल्ड्रन आर आल्सो इंकरेज टू बर्ड वॉच, विजिट नेचर कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वैरिड स्पीसीज। स्कूल चिल्ड्रन में भी जो भी बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनको भी इंकरेज किया जा रहा है कि वो जू, नेचुरल जो आपके हैबिटेट्स हैं जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनको विजिट करें और देखें किस प्रकार से जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनके घरों को देखें और महसूस कर सकें क्यों हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे देशों ने बर्ड्स के किलिंग और एनिमल्स के किलिंग और इनके व्यापार को रोकने के लिए कानून भी बनाया है। जैसे भारत में इन 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास। भारत में 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया जिसके तहत किसी भी जंगली जानवर को मारना अब अपराध है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी जंगली जानवर को मारता है, उसका शिकार करता है, उसका हंटिंग करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है और उसको सजा हो सकती है। इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स इज इलीगल। भारत में भी कुछ जानवरों को मारना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये जंगली जानवर जैसे शेर हैं, टाइगर्स हैं, डियर्स हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, पीकॉक एक्सेट्रा। मीनवाइल एन इंटरनेशनल कन्वेंशन sites have been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. International convention में भी कुछ ऐसे birds और कुछ ऐसे animals हैं जिनको protect किया गया है और उनको उस category में रखा गया है कि इनका व्यापार करना बिल्कुल भी allow नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे steps लिए गए हैं flora और fauna को conserve करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं, आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, आप सभी ऑनलाइन क्लासेस का पूरा एंजॉय ले रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। जो भी असाइनमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं आप उनको पूरा करिए और जो भी आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज हैं, आपके डाउट्स हैं, आप बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।